खबर बिहार राज्य से, आज दिनांक 14 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार, रोहतास जिला सासाराम ऑल इंडिया रेलवे सुसाइन वर्कर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकप्रिय युवा नेता ओम प्रकाश राम ने बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया। और क्या कहा ओम प्रकाश रामदेवे ने, देखे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ और अपना एक छोटा सा परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश राम है, मैं ऑल इंडिया रेलवे सुसाइन वर्कर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही बाबा साहेब को नमन करता हूँ। बाबा साहेब को 6 भाषाओं का ज्ञान था और 26 डिग्रियों के साथ जब भारत लौटे तब उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी कि सिर छुपाने के लिए जगह उन्हें जाति छुपा कर देनी होगी। जब बाबा साहेब अफसर बनकर बैठे तब उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि वहाँ का चपरासी उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं देगा और फाइलें भी देगा तो फेंक कर। फिर भी बाबा साहेब रुके नहीं, डिगे नहीं, हारे नहीं, जीते, परेशान हुए लेकिन मायूस नहीं हुए। बाबा साहेब ने यह समझने का काम किया कि मैं आया हूँ अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए। जब उन्हें मौका मिला तब उन्होंने अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया। बाबा साहेब जो ताउम्र गोर बराबरी का अपमान झेला, उन्होंने अपने एक ऐसे दस्तावेज के माध्यम से सभी के लिए समान और समानता लिख दिया।